ओके, तो किसी ने विजिट किया है vlab.co.in फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज? एनीवन विजिटेड? जो आपको लास्ट लैब बताई थी ऑन वर्चुअल लैब, आपको विजिट करना पड़ेगा बिकॉज कि जिनका सी कम जो सी में भी एक्सपर्ट नहीं है या जो जिनको दिक्कत आ रही है सी में, तो वहाँ इजीली वो दे कैन प्रैक्टिस फॉर सी देयर, ओके, ऑन दैट वर्चुअल लैब. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज प्रेजेंटेशन. ओके ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब. सो वी विल गो विथ आवर फर्स्ट, अगेन फॉर सिलेबस. ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री. सो वी विल कवर फर्स्ट टूडे, देन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर वर्चुअल लैब. ओके, सो हियर इन फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर वर्चुअल लैब प्लस एडिशनली दिस असाइनमेंट यू हैव टू राइट इन योर फाइल. ओके, रिलेटेड टू बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, देन वेरिएबल्स एंड डाटा इनपुट आउटपुट. ओके, सो एवरीवन नोज अबाउट द कंपाइलर. सो ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट सी प्लस प्लस लैंग्वेज आर्किटेक्चर. सो देयर इज ए सोर्स कोड, कंपाइलर, देन ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, मशीन कोड, देन देयर इज ए सी पी यू इन ओ एस दैट विल प्रोसेस योर मशीन कोड एंड देन इट गिव्स टू आउटपुट. ओके, सो सी प्लस प्लस लाइब्रेरी. सो सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी कैटेगराइज इन टू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी. तो दिस लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ जनरल पर्पज स्टैंड अलोन फंक्शंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लास, इंडिविजुअल फंक्शंस, एंड द फंक्शन लाइब्रेरी इज इनहेरिटेड फ्रॉम सी. सो देर आर सेम स्टैंडर्ड फंक्शन इन सी, अगेन दे आर इनहेरिटेड इन सी प्लस प्लस, सॉरी इनहेरिटेड फ्रॉम सी टू सी प्लस प्लस. ओके, सो सेम फंक्शंस विल बी अवेलेबल ऑन सी प्लस प्लस. सो यू कैन राइट सी प्रोग्राम ऑल्सो इन सी प्लस प्लस. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी, दिस इज रिलेटेड टू ओनली सी प्लस प्लस प्रोग्राम. सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड एसोसिएटेड फंक्शंस. एंड स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी इनकॉर्पोरेट्स ऑल द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विथ स्मॉल एडिशंस एंड चेंजेस टू सपोर्ट टाइप सेफ्टी. ओके, तो देर आर समथिंग सम डिफरेंट एडिशनल सपोर्ट्स विल बी गिवेन फॉर सी लाइब्रेरीज इन सी प्लस प्लस. ओके, सी लाइब्रेरी फंक्शन टू सी प्लस प्लस. देन इन स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी दीज आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट इनपुट आउटपुट रिलेटेड. तो इन सी वी यूजिंग एसटीडीआईओ, सो हियर वी यूज आईओ स्ट्रीम. एंड लास्ट टाइम आई हैव रिटेन द रॉन्ग. ओके, इफ एनी वन रीड अबाउट इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस, सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट वाट आई हैव डन इन लास्ट लैब. ओके, सो आई हैव रिटेन आईओ स्ट्रीम डॉट एच. सो एक्चुअली देयर इज नो नीड टू राइट डॉट एच. ओके, ओनली यू हैव टू राइट आईओ स्ट्रीम. ओके, देन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर हैंडलिंग. फॉर कैरेक्टर मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग देयर शुड बी डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक सी. देन मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर सर्कल, स्क्वायर एंड मैनी मोर मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक सी. देन टाइम, डेट एंड लोकलाइजेशंस रिलेटेड फंक्शंस, डायनेमिक अलोकेशन, मेमोरी अलोकेशन रिलेटेड फंक्शंस. देन मिसलेनियस फंक्शंस ऑल्सो हियर लाइक सी. देन वाइड कैरेक्टर फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग पर्पज एंड फॉर यू कैन से स्पेशल मशीन लो लेवल प्रोग्रामिंग रिलेटेड फंक्शंस. ओके, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इट हैज सम सिमिलर टाइप्स और यू कैन से कैटेगरीज हियर फॉर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्लास लाइब्रेरी लाइक सी. देन सो देयर इज अ स्टैंडर्ड इन देयर इज अ सेट ऑफ क्लासेस, एक्सटेंसिव सेट ऑफ क्लासेस इन द सी प्लस प्लस क्लास लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर अ नंबर ऑफ कॉमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग्स एंड न्यूमरिक प्रोसेसेस. ओके, तो
So as I have already told that about, you can use C and C++ input-output function in your C++ compiler. Okay, so standard C++ input-output classes, then string class, okay, then numeric classes for integer or numeric values, then STL container classes. These are different classes for special purpose of functions or programs. Then STL algorithms, okay, then STL function objects. These are similar to C++ functions or standard C++ functions objects. Then STL iterators, okay, then STL allocators. So we will discuss all these detail STL related in later our lab, in coming labs, okay. Then localization library, exception handling classes, and miscellaneous support library. We will use these classes, or we will read or understand these classes during our labs according to our assignments. Okay. So these are the different categories. I will not cover all this here because due to limited time period. So only have to know about this library because for classes or object-oriented programming, you have to understand and identify these classes also here, library classes. Okay, but we will start from some simple programs. So another is the variables. Okay, so most of the you know about the variables. As you know, C programming, but there are some difference also in here C++. So, okay, here, okay, variable provides is a name storage. Okay, it is a actually a storage. Okay, but it's give some address on memory that will provide some value or some character or input that will given by a variable name. Okay, each variable in C++ has specific type. There should be a fixed type like Boolean character or int. Okay, which determine the size and layout of the variable's memory. Okay, if you give int, then there is a fixed natural size of integers. For machine, then if you give float, then it gives single precision floating point value for that variable. Okay, like that you have to define the actual size and actual variable's memory. The range of values that can be stored within that memory and the set of operation that can be applied to the variable. Okay, then the name of the variable can be composed of letters, digits, and underscore characters. So you can not make different types of variables. You have to follow some rules related to programming and some easiness. Okay, some easiness or some familiar variables are used to do programming because you have to again use that variable repeatedly in your program, and it must begin with either a letter or an underscore. Okay. Then upper and lower case letters are distinct because C++ is case sensitive. Okay, C is not, I think, C is not so can. It's C++ is also related, similar to like Java. So it is C++ is case sensitive. Okay, so you have to write proper way, write the variable or a program in proper way. So using upper and lower case letters. And there are following some basic types of variable here you can see on slide. There is Boolean, your case a bool. So store either value true or false. It is a logical it is related to a logical operations. Then character, typically a single octet or 1 byte, and this is an integer type. Okay, so you can store a single character on as a 1 byte. Then int, the most natural size of integer for the machine, normal variable mostly used, okay, in programming. Then float for single precision floating point values, okay, real values. Then double, a double precision floating value,
point value, and then void. Void represents the absence of types. So it is most important, because when we will not use, we will not return a value in functions, then it will be used for as a void. Okay, as a absence of type, and it will used for different purpose, not in special cases where you have not to define the int character or float or anything, then you can use void. Then there is a void character type, a void character, void character type. So when you have to give some string or related, that you can use here. And also for some special low level programming, void character type is used. Then C++ allows to define various other types of variables like enumeration, okay, pointer, array, reference, data structures, and classes. Okay, some user defined functions also you can declare, or you can define according to a class or function in C++. Then variable definition in C++, how to define variable in C++. So variable definition means to tell the compiler where and how much to create the storage for the variable. This is the definition of variable. A variable definition means to tell the compiler where and how much to create the storage for the variable. So here is an example. Type variable list. Okay, so a variable specifies a data type and contains a list of one or more variables. So in type, there is a fixed valid C++ data type. It may be integer, float, double, or character. Okay, then variable list may consist one or more similar or different, not similar, different types of identifier names separated by commas. Here you can see int, then there are three variables, ijk, integer type, and then character for c, ch for character type, then for float f, salary, then for double d. Okay, so you can define multiple identifiers with different data types as variable. Okay, there is a this is a fixed format for variable definition. Type variable name is equal to value. Okay, so you can define here some values with variables. Here external int d is equal to 3, f is equal to 5, int d is equal to 3, f is equal to 5, and then you can define byte, character. Okay, then variable declaration. It is most important part in C++, because you have to define in local and global variables. So here we will mostly because there is class on many functions and objects, so you have to mostly define the as a global variables. Okay, so a variable declaration provides assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that compiler proceed for further compilation without needing complete detail about the variables. And it is also related that meaning variable declaration provides meaning at the time of compilation only, and compiler needs actual variable declaration at the time of linking of the program. Okay, so when will the variable used? During the linking of the program. So here I will show again, this is the C++ language architecture. You have a source code, then compile, then object code. Here is the linker. Okay, during this linking time, program time, you have to define that memory locations of variables. So declaration of variable will help during the linking time. Okay, so variable declaration is useful when you are using multiple files, and you define your variables in one of the files which will be available at the time of linking of the program. So mostly use external keyword to declare a variable at any place. You can define using external your variable in any position of your program, and but you have to
and it was string. Okay, so it will be used as variable. So you can declare a variable multiple times in your C++ program, and you can also define in once in file, function, or block of code. And here is some sample program. Include iostream. We will not use .h here. Okay, include iostream. Then sometimes some systems gives errors. Okay, so mostly these related to standard input output. So some using base std is also used here. Okay, I will give details about this in next labs. Okay, now not right now, but you have to practice using this, using namespace std standard input output. Okay, why we will use, I will tell you in next labs. Okay, then variable declaration here, we define int ab, extern as extern, int c, float, and f. So here is the main program. It will give some value like return 0 here. Then variable definitions, int a, b, c, f. Then actual initialization, we will not give a value here, but we can also provide the value here also. But here for simple program, we will give actual initialization here. So a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b. So it will only add 10, a plus b. So okay, 10, 20. So it provide output to c. Okay, then we given c out here, then f for float. So we have divided some value and then c out f, and it gives some zero. Okay, not return value, because we will not call it this function to anywhere. Okay, because it is main. Then here is the output after compiling and executing this program, 30 and 23. I have done here, but I have some error. Last I have this. I think I have some problem with GCC compilers or something else. So it is not taken the header files of preprocessor here. Okay, so it provides this errors. Here lots of errors. So I will sort out the issue or matter of my system as early as possible. Okay. So today the theory is for only for we will not discuss here input output, because I will show input output actually in our virtual lab program. So any issue regarding I have discussed here, any issue? Anyone want to ask about variables or this C++ libraries? All of you know, I think all of you know about C libraries and variables. Okay, but some difference from C here for C++. Any issue? Reply in chat box if any issue. Okay, thank you. Okay, now we will go to our virtual lab program. It will help to those students, those not familiar with strongly not familiar with C, and they are going to program in C++. So they have to learn again using this virtual lab. So okay, we will go to our earlier page like this. Okay, here is virtuallab.co.in. There is in this tab, computer science engineering tab, you will find computer programming lab. It is supported by or provided by IIIT Hyderabad. Okay, so here is some reference books also mentioned here. So this is first C programming language by Dennis Ritchie and Brand. It is best book for C only. Okay, so our this lab is only related to C programming, but it will help you to understand actual C programming concept here. So
you can use that concept in C++ also. So second is practice of programming by Kernighan and Pike, and then expert C programming, Deep C Secret by Peter Wen. Okay. Then I okay, there is no okay, here is syllabus mapping. So you there is no need of syllabus mapping here. Okay. Then we will click here, then it will open this page. Okay. Computer programming lab here. Here is home, about this lab, and explore virtual labs. So we will not use this tabs here, okay, or you can say hyperlinks. See, we will go to our function related tab. Okay, so when we will click here function, then it will open this page. Okay, sorry, not this. Okay, we will click here. Okay, this will open. Then there is introduction, theory, okay. Then there is objective, then there is manual, and then there is procedure. Okay, so you can study this small information, because it is very small information here. Okay, this provides the this lab related process. Okay, so we will not discuss this process, because I think we will waste our time in this reading this all this. Okay, so you can go for theory. It is related to C programming, and then objective to understand the big program. So you know already what is the objective. You have to define or perform function in C. Okay, so you have to write a function and how to call them. This is the main objective of this function program or simulation. Okay, and this is the procedure. So we will discuss this procedure. Okay, first the procedure step is click on the square to define a function for calculating the area of square. Okay, then similarly define a function for the other geometrical figures. So one by one we will select a figure, then we will define some giving some input, so it will automatically generate a function for that shape. Okay, and the defined functions are shown in the middle window. Okay, middle window shows the functions related to that shape, and now do appropriate function calls in the main program to compute the area of the figure displayed. So then we will when we will define the function, then it will give our provide a main program. Then we will provide we will give a function call of that related to that shapes. Then we will calculate area, total area of that diagram or shape. Then press execute to execute the code and see the output. Okay, so let's start here. So you have to go to this. Okay, also you can go for further reading and quiz for related issue for functions. Okay, here you can go, then you can perform some quiz here. Okay, and you can evaluate yourself here. So first we will here we will go to simulation. Okay, simulation page will provide. Click here to go to experiment. Okay, now we are at the simulation page for function. Okay, so we will click on first this. Okay, now I want your response for this page. Okay, clear? If someone, some students have system, they can also open their laptops and they can go for this very useful virtual lab simulation. So now tell me, anyone, that what will we give here as input initialization for our in variables. Okay, we have already discussed about variables. So for square, what we will need here, which type of initialization, which type of arguments, which type of data types are used for calculating area for circle, or we will make an function for calculating the area of square, rectangle, triangle, and circle. So first, anyone reply for this square?
What value we have to choose from here? 1 to 4. Anyone can reply? For square, the all sides are same. Okay. So there is no single we can use a single variable for square. So we will enter only 1 here. Okay. Then भाई रिप्लाई तो करना होगा आपको. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कौन बताएगा? एंटर डाटा टाइप. डाटा टाइप क्या होना चाहिए आपके स्क्वायर के लिए? व्हाट इज द डाटा टाइप फॉर स्क्वायर? इन आईएनटी होगा और फ्लॉट होगा? Mostly, so float. क्या होना चाहिए? हाँ, float. Very good. Okay. Then return data type क्या होगा आपका? Again float हो जाएगा, similar to that. Then area के लिए आपको पता ही है, a into a. Okay. Then I will click here. Okay. Okay. So it given a right sign here, green. Then it provides a step function here. Float area. Okay, sq float a, here is only one variable a, then float area counted a into a and return area. Okay, then similarly we will go for here, there a rectangle. So we have to give two arguments, then it goes for float, again float, and then a into b. Okay, so we will get another function for rectangle. Then we will go for triangle. So we will here the triangle is for with similar sides, so we will use only for one arguments, then again for float. Okay, and then what is this? Okay, here. Okay, then we will get the area of triangle function here. Then we will go for circle here. Okay. So because I am going for all these functions, so you have to go one by one this way. Then here is again one argument, then float, and then you have to calculate the area of circle. Okay. Now we will reach our next step. Okay. All can visible the, okay, visible my screen. You can see the shape here. Code output. Okay, in code output you can see the shape. There is a triangle, there is a half circle, rectangle, triangle, square, and then big square. Okay, and there are step functions. Okay, ab yahan pe aapka main function hai. You have to write code for main function, but you have to not completely go for the writing here. You have to only call that function here. Okay. So int main float total area. Total area is equal to the next input. What will be here next input? कौन बताएगा क्या होना चाहिए कॉलिंग के लिए इन सी फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा यहाँ पे? वी हैव ऑलरेडी हियर सम फंक्शंस. क्या होना चाहिए फर्स्ट? अगर हमको एरिया के लिए करना है तो क्या होगा फर्स्ट? कौन बताएगा? How to call a function? क्या होना चाहिए? Anyone can reply here. समझ में आ रहा है सबको? Any issue with this diagram here? अभी तक जो किया वो क्लियर हो गया ना सबको? हेलो, हेलो, एनीवन कैन रिप्लाई हियर? अगर नहीं क्लियर हो रहा है ये, इसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे? कौन बताएगा?
यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँ, यहाँ पे इस ऑप्शन में मैं क्या टाइप करूँ? आपको सभी वैसे ये 7 स्टेप में कुछ ना कुछ टाइप करना ही है, बट इट विल एग्जीक्यूट द एरिया ऑफ इफ ओनली यू हैव राइट हियर, बट इट विल गो फॉर ऑल चेकिंग ऑल दिस बिकॉज इट्स कंपाइलिंग इट सिक्वेंसली। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एरिया ये आप सब अंडरस्कोर यहीं पे है ना, फोर एरिया अंडरस्कोर क्या लिखूं? एक्यू फोर एरिया, ओके अंडरस्कोर देन एक्यू फोर एरिया अंडरस्कोर एक्यू सर फोर दैट इज ओके एस क्यू इनटू 4, ओके बिकॉज देयर इज ए 4, दिस इज स्क्वायर हियर, ओके व्हाट हियर 4, ओके so I will not write here other functions calling here, so execute, okay, it will provides area square 4 is 16, okay, for this 1 minute, okay, it will calculate all lines for area, okay, now this square is calculated by this function, okay, so the function is here and we call it here. So it will calculate the area of this square. So we have to calculate all shapes, one by one. We have to calculate all the area of this shapes that provide the total area of that shape. Okay. So next is क्या होना चाहिए आपके पास? Next अगर को हमको एक और लेना है, जैसे square ही ले लेते हैं हम, square sorry area SQ into 16, okay, no 16 not 6 only, we have to write 6 as input, then area for rectangle we have to give 2 inputs for A and B, so 4 into 10 ye ho gaya aapka, then you have to write area for a triangle, okay, we have mistake here, triangle, okay, then we will give one input as 4, okay, then area for triangle again, sorry, okay, triangle for 7.5, okay, then 2 half circles, okay, so area, then circle, then we will go for 2.5 first, and then last is area, oh sorry, circle for 4, okay, okay, अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, एग्जीक्यूट करते हैं हम। फर्स्ट के लिए क्या हो गया, 16 हो गया, देन 36 हो गया, देन 40 हो गया, देन 6.9 हो गया, देन 24, ओके, देन 19 हो गया, और देन लास्ट 50, ओके, तो सम फंक्शंस कॉल्स वेयर इनकरेक्ट, तो प्लीज ट्राई अगेन, तो आई थिंक देयर इज सम एरर्स, बट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया, ओके, सो वेयर इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अवर सर, सर्कल में आपने डायमीटर लिया है, रेडियस नहीं, कहाँ पे लिया मैंने सर, 2.5 डायमीटर है, और के लिए ही करेक्ट करना अपन को एरिया क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 2.5 में क्या होना चाहिए, 1.25, और यहाँ 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2, ओके, और सर सेमी सर्कल के लिए करेक्ट करना अपन को,
एरिया सिर्फ सेमी सर्कल का दिख रहा है और ये पूरे सर्कल का एरिया देख, देखते क्या आता है। अभी आपने 2.5 का बताया, उसी तरह ये 4 है यहाँ पे। ओके तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके 36 40, ये 6.24 49 12। ओके सम यहाँ पे 4 4 करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसमें। ये भी आपका क्या है, हेलो सर, फंक्शन में पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो रहा है और फिगर में सिर्फ सेमी सर्कल दे रखा है। पूरे सर फंक्शन सर्कल का कैलकुलेट हो रहा है और तो उसको हमको हाफ करना है। हाँ सर, एरिया को हाफ करना पड़ेगा फंक्शन में। तो वो तो फिर आपका वही है, डायमीटर पूरा देना पड़ेगा ना, तभी आप हो पाएगा। वो तो डायमीटर आपको पूरा ही देना पड़ेगा ना, तभी आप करेगा वो। इनकरेक्ट, आपका ये नहीं चलेगा यहाँ पे। इस तो यहाँ पे कैसे देंगे, ये वाला नहीं चलेगा। नॉट दिस वे, वी हैव टू गिव दिस बाय दिस विल टेकन और नॉट, वी विल चेक इन सिमुलेशन। ओके okay so it not taking like this okay ye pura calculate kar raha hai aur yahan pe hame kya chahiye 1.25 chahiye then we have to go for 2 here theek hai yahan pe kuch to calculate kar hi raha hai bas yahan pe kuch yahan pe inko missing hai theek hai kya missing hai I think I will use this if it will give some maybe this will help. Okay, not it will not provide some help. Excuse me sir. Yeah, bolo. Sir, ये area of circle है जो radius आपने लिया है उसको divide एक बार 2 से कर दीजिए, क्योंकि कभी भी semi circle में diameter नहीं लेते हैं, radius तो वैसा ही रहता है, बस जो total area होता है उसको half कर देते हैं। इसमें सर्कल में, हाँ इसके बाद बाय 2 कर दीजिए एक बार। वो नहीं हो रहा है, वो ट्राई कर लिया ना, बाय 2 तो हो गया ना। बट सर वहां पे आपने डायमीटर लिया था। सर स्टेप एग्जीक्यूशन में एक बार एरिया को हाफ से डिवाइड करिए सर्कल के यहाँ पे। हाँ सर, एक्चुअली ये यहाँ पे इनपुट नहीं लेता है, जो स्टेप फंक्शन है यहाँ पे हम कुछ राइट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर आपने पहले डायमीटर लिया था, है? पहले आपने डायमीटर लिया था, इस बार रेडियस ले रहे हैं तो अब एक बार डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। अभी यस सर, ये नहीं लेगा, ये फंक्शन में एरर दे रहा है ऑलरेडी। चलो ये एरर ले रहा है ना, इनकरेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये एरर ले रहा है। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और मिसिंग है, जो मतलब नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज कि मैंने को स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ये वाला देखो कि दोनों पेज है, यहाँ पे मैंने हाफ ही किया हुआ है, यही यहाँ पे कुछ कैलकुलेट तो कर रहा है, सबको 1 by 1 कर रहा है। ओनली ये जो हमें टोटल जो एरिया चाहिए इस शेप का, ये पर्टिकुलर जो भी शेप है इसका पूरा एरिया चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जो हमें टोटल एरिया आना चाहिए काउंट होके, वो यहाँ पे हम नहीं रिसीव कर पाए। अब क्या है प्रॉब्लम ये पता नहीं, बस या तो हमें कुछ वन मिनट वी हैव टू ऐड। ओके आई थिंक वी हैव टू ऐड, एक बार ट्राई कर लेते हैं मे बी। ओके हियर वी हैव टू ऐड ऑल दिस।
okay, not it only give taken the function call, okay, no other symbols taken by this. ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको समझ में तो आ गया सबको, क्लियर है ना सबको? ओके, प्रोग्रामिंग सबको क्लियर है ना इसमें? ये अगर आपके पास सिस्टम है, आप कर रहे हो तो आपके यहाँ पे शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं आपका स्क्रीन, अगर किसी पास सिस्टम पे कुछ कर रहे हैं अभी तो. Because we have fixed function here in step execution, so we cannot go for other symbol or any other process here. It's only calling for function here. Okay, so I think we will we cannot get all this area safe for total area of this safe. Clear hai sabko ye to ab? ठीक है, तो again मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपकी इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. तो ये आपको C++ में कन्वर्ट करना है. ओके, ये जो प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये अब आपको क्या बनाना है, ये C में तो ऑलरेडी है ही आपके पास, तो उसी तरह आपको क्या बनाना है, ये एक सेफ की क्लास बनानी है. ओके, देन आपको क्या करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये फंक्शन है, इनको कॉल कराना है मेन फंक्शन में, और आपको फिर जो भी आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्लास में डिफाइन किया है, फॉर सर्कल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो वो आपको यूज़ करना है. ठीक है, तो एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास का प्रोग्राम बनाना है. ठीक है, तो मैं क्लास अभी नेक्स्ट में बताऊंगा, अभी आपको ओनली फॉर मैं क्या बता रहा हूँ, ये C++. तो एक बार आप पहले प्रैक्टिस कर लो, जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ जस्ट लाइक आपका न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन है. ठीक है, और देन आप उसको पहले तो सिंपल, जरूरी नहीं कि क्लास में ही आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, पहले आप सिंपली जैसे यहाँ पे आपका सी का प्रोग्राम है उसी तरह आप उसको C++ में पहले कन्वर्ट कर लो. अगेन जो क्लास वाला ऑप्शन होगा वो मैं नेक्स्ट लैब में बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसकी क्लास बनानी है सेफ. ठीक है, तो अभी सेफ वाला कोई क्लास नहीं बनाएगा. ठीक है, ओनली आपको क्या कन्वर्ट करना है, ये जो सी का प्रोग्राम है आपको यू हैव टू कन्वर्ट इनटू C++. ओके, तो आपको ये जितने भी प्रोग्राम है एक बार इनको सबको ट्राई करना है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो आप नॉर्मल कर रहे हो प्रोग्राम उसमें. जैसे यहाँ पे ये एडवांस कंट्रोल फ्लो है, तो मे बी हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, नेट सही चल रहा है, चलो आ गया. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एडवांस कंट्रोल फ्लो है, स्लो है थोड़ा, नेट स्लो हो रहा है. ओके, यहाँ पे जैसे आ गया आपका लूप, तो यू हैव टू गिव सम इनपुट हियर, देन इट विल मेक स्टेप फंक्शन एंड देन कोड आउटपुट. ओके, तो सेम जैसे हमने फंक्शन में किया है, तो आपको सारे एक बार उसको रन करने प्रोग्राम को. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया सिलेक्ट लूप, फोर लूप के लिए दिया हुआ है, तो उसी तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइल, डू वाइल मिल जाएगा. ठीक है, देन एंटर नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग पी. ठीक है, यू हैव टू डिफाइन दिस प्रोसेस पी के लिए, नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन है आपको लूप में जो भी करना है. देन स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना है, एंड देन लोकल वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं. ठीक है, आई अकॉर्डिंग टू लूप, अकॉर्डिंग टू लूप कि आपको जो भी फोर लूप के लिए क्या चाहिए, वाइल के लिए क्या चाहिए, और डू के लिए क्या चाहिए. ठीक है, तो आपको एक बार इनको एक बार प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अभी किसी को कोई इश्यू हो अभी तक जो बताया है मैंने, एनी इश्यू टुडे वी डिस्कस? Okay, what we have discussed is there is no issue, no issue, then that's okay. Now attendance time. तो एक बार फिर बोलेंगे, अब next time से हम Google form या कुछ और try करेंगे attendance के लिए. ठीक है, तो अभी हम normally जैसे हमने last time दिया था attendance, oops, lab 3. Okay, so
कौन सी है, C4 है ना। ओके ओके भावना, यस सर। ओके देन यस, यस सर। ओके देन सुनील, यस सर। देन स्नेहा, स्नेहा नहीं है, स्नेहा नहीं है। ओके देन सिचिका, यस सर। देन सुभी, यस सर। ओके देन यस यासी, यस सर। ओके विनायक, यस सर। देन वैभव, यस सर। ओके देन तेजस, तेजस है, तेजस नहीं है। देन रोहन, ओ सॉरी यस सर, रोहन के पहले भी यस कुमार, यस कुमार है, यस सर। ओके ठीक है देन शुभम, यस सर। ट्विंकल, यस सर। विशाल, यस सर। देन रितेश, रितेश है। ओके देन श्रियांश, यस सर। ओके देन शैलेंद्र, शैलेंद्र है, शैलेंद्र सिंह। मैं यहाँ पे अभी वो देख नहीं पा रहा हूँ गूगल मीट पे, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना। देन सुमित, सुमित, सुमित है, सुमित भी नहीं है। देन तुषार, प्रेजेंट सर। ओके विनय, विनय थापा। देन साक्षी, यस सर। ओके देन विशेष, विशेष नहीं है। उमेश, यस सर, यस सर, सर विशेष, विशेष है। ओके विशेष देन उमेश, उमेश नहीं है। देन लास्ट इज योगेश्वर, यस सर। योगेश्वर, योगेश्वर भी है, ठीक है चलो। ओके गूगल मीट पे भी देख लेते हैं। तेजस, तेजस ओके तेजस है अवेलेबल, ठीक है। देन और कोई है, विनय थापा, विनय थापा, तो विनय ठीक है। और कोई बाकी रह गया हो तो, सभी आ गया ठीक है। 24 है टोटल, तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सभी नहीं आ पा रहे। भाई 24 में कोई रह गया है क्या? विनय थापा हो गया। ओके विनय थापा का हो गया है, और कोई रह गया हो तो बताएं। 24 में से दो तो मेरे ही हैं। ओके 24 में से दो हो गए मेरे, तो कितने हो गए आप? 21 और 19, दो बच्चे और मिस हो रहे हैं। चलो देख लेंगे। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ओके तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लैब के लिए क्या करना है आपको, जो फाइल में लिखना है, तो आपको ये प्रोग्राम है, मोस्टली ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको सी में करने हैं अभी, ठीक है ना। एक तरह से तो वन बाय वन करें आप, जितने भी हो पाए आपसे, ठीक है। और सारे प्रोग्राम्स करने के बाद जो नेक्स्ट लैब होगी, मैं उसमें क्लास जो है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो हम
तो लास्ट नेक्स्ट में वे डिस्कस करेंगे वो ये है आपका सिलेबस में, जैसे मैंने ये बता दिया आपका लाइब्रेरी और वेरिएबल्स बता दिया, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं और देन इनपुट आउटपुट आपको थोड़ा क्लियर हो ही जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे जो भी आपने सी में बनाया प्रोग्राम को जब सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। देन सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर से रिलेटेड और क्लास जो थर्ड वाला हमारा, ठीक है, ये वाला, ये हम कंसेप्ट नेक्स्ट लैब में करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग हम नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट लैब में हम फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, ओनली वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी आप वन बाय वन, क्या है क्लास, ये आपकी क्लास लैब की होगी कंप्लीट, तो आप जा सकते हो, वन बाय आप लीव कर सकते हो, ओके, यू कैन लीव नाउ।